अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुरादाबादी बिरयानी। ये मैं 1 kg गोश्त ले ली और अच्छे से धो दी। ये मैं हरी मिर्च ले ली तकरीबन 15 से 20 होगा। उसके बाद इसको मैं पीस लूँगी, ज़्यादा पीसना नहीं, इसको दरदराई पीसना। अब ये हो गया रोटी पीस के। अब इसको ये मिर्ची को ना गोश्त में डाल देना। ठीक है, डाल दी गोश्त में और उसके बाद इसमें कम से कम 8 या 10 साबुत हरी मिर्च भी डाल देना। उसके बाद इसमें डालना है, मैंने 3 टमाटर काट ली वो डाल दी। उसके बाद अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला साबुत, ये जीरा काली मिर्च और लौंग और ये है तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और ये छोटी इलायची और ये ले रही हूँ 2 बड़ी इलायची और ये 1 चम्मच पिंक सौंफ। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सारे मसाले को गोश्त में डाल देना। तो ये सबको डाल दी हूँ गोश्त में। अब इसी बीच डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये डाल दिया अदरक। उसके बाद अब इसमें डालूंगी दही। दही मैंने 200 ग्राम दी। अब अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लीजिए। ये मैं ड्राई मसाले ले ली, ये नमक और धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और ये कसूरी मेथी और ये सब मसाले को गोश्त में डाल देना है और तब सारे को मिक्स कर देना है अच्छे से। तो ये हो चुका है मिक्स। अब इसको 1 घंटे के लिए रेसिपी छोड़ देंगे, कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं तो 1 घंटे के लिए नहीं, तो अगर टाइम है तो 2 घंटे के लिए छोड़ दो। ये मैं 2 ग्लास चावल ले लूँ। ये मेरा सेला राइस है पक्का। अपना चावल को कम से कम ये 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ देती हूँ। ये मैं पानी में भिगो के छोड़ देती हूँ। अब मैं ले ली पतीली और इसमें तेल डाल दी और इसी में मैंने 3 प्याज ली। 3 प्याज को चॉप कर ली। अब इसको गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। तो लगभग ये मेरा होने वाला है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो अब ये हो गया है तैयार। इसमें से मैं थोड़ा सा मुझे निकाल देना है। तो ये हो चुका है तैयार, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा निकाल दूँ और बाकी मैं डाल दूँगी मिक्स किया हुआ गोश्त। डाल दी गोश्त मिक्स किया हुआ। अब इसको ना हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाना है। तो ये अच्छे से मिक्स को मिला दी हूँ। अब मैं इसको ढक देती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं खोल के देखी हूँ तो ये इसका हाल ये हो चुका है। अब इसको अच्छे से भूनना है। तो ये लगभग भुना चुका है गोश्त, गोश्त भी टेंडर हो चुका है। तो अब इसी बीच इसमें डाल देंगे पानी। पानी आपको जितना चावल लिया ना उसका डबल लेना है। जैसे मैंने 2 गिलास पानी लिया ना, तो चावल लिया ना तो मैं 2-4 गिलास 4.5 गिलास या 5 गिलास पानी डालूँगी। तो ये मैं डाल दी पानी। अब इसमें डाल रही हूँ चावल। ये डाल दी चावल। चावल को ना डाल के ज़्यादा मत चलाइए क्योंकि ये पानी में भिगो के रखी थी ना तो ये फूल चुका है। अभी मैं नमक टेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा नमक और जाएगा। तो इसमें उबाल आ चुका है। 5 मिनट के लिए मैं ढक के रखी थी तो उबाल आ चुका है। अपना फ्लेम को ना मीडियम कर देना, मीडियम करके फिर ढक देंगे। तो ये हो चुका है रेडी।
थोड़ा थोड़ी देर और इसको खोल के मीडियम फ्लेम पे पकाना। तो ये मैं डाल दी फूड कलर, और जो प्याज में निकाल रखी थी वो प्याज में डाल दूंगी। तो ये हो चुका है मेरा मुरादाबादी बिरयानी रेडी। अब मैं सबको लुक के दिखाती हूँ। ये कर ली सर, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है।